हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज मैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइम लूप से भरी हुई मूवी साउथ बाउंड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि रिलीज हुई थी 2015 में। गाइस, ये मूवी लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं देगी। इनफैक्ट आप शॉक होकर देखते रह जाएंगे कि ये अचानक क्या होता जा रहा है इस मूवी में। फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको ये मूवी अच्छे से समझा पाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से मूवी स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग मिच और जेक नाम के दो बंदों से होती है जो कि एक गाड़ी में किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। मिच अपनी बेटी कैथरीन की फोटो देख रहा होता है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा उड़ता हुआ क्रिएचर दिखाई देता है, लेकिन वो उसे बचते हुए आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन पे जाते हैं जहां जैक अपने पर लगा खून साफ कर रहा होता है और वहीं बाहर मिच को किसी के होने का एहसास होता है और गाइस वहीं अंदर जैक को एक इनविजिबल पावर खींचने लग जाती है, जिसके बाद वो फटाक से बाहर भागता है और वो दोनों वहां से जाने लग जाते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो तब होती है जब आगे जाने पर वही सेम गैस स्टेशन उन्हें फिर से दिखाई देता है और जहाँ वो डरते हुए गाड़ी से भाग रहे थे और बार बार उसी गैस स्टेशन पे पहुँच रहे थे। सो फिर मिच वहाँ पे गाड़ी रोककर बाहर निकलते हुए कहता है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ से निकल पाना उनके लिए नामुमकिन है। जहाँ जैक उसे छोड़कर अकेला ही जाने लग जाता है, बट तभी वो अजीब सा क्रिएचर उस पर अटैक करते हुए बहुत ही बुरी तरह से जैक को मार देता है और अचानक से गायब भी हो जाता है। जिसके बाद मिच डरकर गैस स्टेशन के पास ही एक मोटल में चला जाता है जहाँ वो अपनी बेटी कैथरीन को देखता है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी और अचानक से ही वो गायब हो जाती है। सो जहाँ मिच उसके पीछे जाता है, लेकिन वो बार बार उसी रूम में घूमता हुआ वापस आ जाता है जैसे कि वो वहाँ पे फंस गया हो। एंड गाइस, तभी उस रूम से सैडी, किम और ईवा नाम की तीन दोस्त बाहर आती है। यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि मिच भी इसी रूम में था जो कि उस दुनिया में फंसा हुआ था जहाँ पे लोगों को उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है, जिसे एंड गाइस इसे पुर्गतोरियो कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ पाप किए होते हैं, लेकिन यहां रहकर वो अपने पापों की सजा काटते हैं जिसके बाद वो स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों लड़कियों को मिच के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि ये लोग रियल वर्ल्ड में थी। जिसके बाद ये तीनों अपनी गाड़ी से हाईवे पर निकल जाती है, लेकिन तभी उनकी वैन का टायर पंचर हो जाता है और साथ ही फोन के सारे नेटवर्क्स भी गायब हो जाते हैं। कि तभी एक कपल वहां से गुजर रहा होता है जो इनकी हेल्प करता है और ये कहता है कि उनके नेबर्स में कुछ लड़के रहते हैं जो कि उनकी गाड़ी के टायर को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्हें इनके साथ में चलना होगा। और वो तीनों लड़कियां उनकी गाड़ी में बैठकर उस कपल के साथ में जाने लगती हैं, जहां गाड़ी में सडी कार के पीछे एक लोहे का ट्रैप देखती है जो कि काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। और घर पहुंचने के बाद वो कपल उन तीनों लड़कियों को एक रूम देते हैं। सो दोस्तों, उन कपल का नाम मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन है, जिसके बाद वो रात के टाइम उन तीनों लड़कियों के साथ साथ ही अपने नेबर किंगडम और उनके ट्विन बेटों के साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ ये कपल इन्हें खाने के लिए सड़े हुए भेड़िए का मीट देते हैं जो कि काफी भद्दा और सड़ा हुआ था। जहाँ किम और ईवा तो उसे खा लेती है, लेकिन सैडी उसे नहीं खाती क्योंकि वो वेजिटेरियन थी। और खाने के बाद जब ये लोग रूम में जाती है तो ईवा और किम को वॉमिट होने लग जाती है और उनके मुँह से ब्लैक कलर का अजीब सा पदार्थ निकलने लग जाता है। जहाँ सैडी हेल्प मांगने के लिए मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन के पास जाती है तो वो उन्हें अपनी बनाई हुई मेडिसिन पिलाती है जिससे कि वो दोनों लड़कियां सो जाती हैं। और सडी को दाल में कुछ काला लग रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, सो इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ से चलने के लिए कहती है, बट वो दोनों मना करते हुए अजीब सा बिहेव करने लगती है और वहीं पे सो जाती है। और सडी भी डरते हुए उन्हीं के पास में बैठी बैठी ही सो जाती है कि तभी उसे अपनी एक दोस्त जिसका नाम एलेक्स है उसका सपना आता है जो कि मर चुकी थी और वो डर कर उठ जाती है। वो देखती है कि ईवा और किम वहाँ पे नहीं है। एंड गाइस, जब वो बाहर जाती है तो दंग रह जाती है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मिस्टर और मिसेस जॉनसन अपने पड़ोसियों के साथ उन दोनों लड़कियों पे एक डरावना सा कल्ट रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि वो शैतान के वश में थे। जहाँ इस खतरनाक नजारे को देख कर सैडी बहुत ही बुरी तरह डर जाती है एंड उसका पैर लोहे के जाल में फंस जाता है। जहाँ ईवा और किम उसके पास आती है जो कि रिचुअल के बाद पूरी तरह से ही बदल चुकी थी। सो इससे पहले कि वो दोनों लड़कियां उसके साथ में कुछ करती, वो वहाँ से भाग
भागती है और हाईवे पे पहुंच जाती है। जहां पे सटी को एक गाड़ी दिखाई देती है वो हेल्प मांगने लग जाती है और कार में लूकस नाम का एक बंदा अपनी वाइफ से कॉल पे बात कर रहा था कि तभी वो सटी पे गाड़ी चढ़ा देता है और बहुत ही बुरी तरह से वो घायल हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों अब ये भी पुर्गातोरियो में एंटर कर चुका है। जहां उसके बाद वो 911 पे कॉल करके फोन सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन वो लोग कोई एम्बुलेंस या फिर अन्य इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस लोकेशन पे जीपीएस वर्क ही नहीं कर रहा था और इन्हें उसकी लोकेशन समझ में भी नहीं आ रही थी, जिससे कि वो खुद उसे उठाकर पास के ही टाउन में लेकर जाता है जहां वो उनसे हेल्प मांग सके। बट हैरानी की बात तो ये थी कि वो पूरा टाउन खाली था, जहां पे उसे एक हॉस्पिटल मिल जाता है और वो उसे लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन हॉस्पिटल भी पूरा खाली था और यहां पे कोई भी नहीं था। जहां वो इमरजेंसी सर्विसेज पर कॉल लगाता है जो कि अब उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो सटी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है और वहां पे जाके लिटा देता है कि तभी गलती से उससे उसका पैर टूट जाता है और वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी कि तभी उसी टाइम कॉल पर एक आदमी कनेक्ट होता है जो कि खुद को डॉक्टर बताते हुए लूकस को इंस्ट्रक्शन देने लगता है और वो वैसा ही करने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी सटी को वो नहीं बचा पाता है एंड सटी भी वहीं दम तोड़ देती है और कॉल में क्रीपी सी हंसी की आवाजें आने लग जाती हैं और वो अपना फोन फेंक कर वहां से जाने लगता है, लेकिन गेट लॉक हो चुका था। लूकस थक कर साइड में ही बैठ जाता है और कुछ टाइम बाद उसके फोन पर एक कॉल आता है जहां वो उनसे कहता है कि उसने हाईवे पे किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि पूरा हाईवे सुनसान था और रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसने सटी को बचाने की भी पूरी कोशिश की थी। अनकाइस जिन लोगों को वो बता रहा था वो वही इमरजेंसी सर्विस वाले लोग थे जो कि इसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और हॉस्पिटल का गेट खुल जाता है। बाहर आने पे वो देखता है कि उसकी कार जैसे ही सेम कार पीछे आ रही थी। सो गाइस ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि लूकस से सटी का एक्सीडेंट जब हुआ था तो वो भी उसी टाइम पुर्गातोरी में एंटर कर गया था, लेकिन स्टिल उसने सटी को बचाने की पूरी कोशिश की थी। सो इसलिए अब उसे उसकी कार वापस मिल गई जैसे कि वो एक्सीडेंट से पहले थी, यानी कि सही सलामत हालत में, और साथ ही अब वो पुर्गातोरी से बचकर भी निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी सर्विसेज वाले जो लूकस से बात कर रहे थे वो असल में पुर्गातोरी में काम करते हैं, मतलब कि लोगों को सजा दिलाने में क्रिएचर्स की हेल्प करते हैं। सो अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जैम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स डैनियल और कैट के साथ में एक मोटेल में वीकेंड एंजॉय करने के लिए आई हुई थी। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है जहाँ मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा था कि तभी रूम के दूसरे दरवाजे पे भी एक दूसरा मास्क मैन दस्तक देता है। ये लोग डर के छुप जाते हैं और मास्क पहने हुए तीन लोग अंदर आते हैं और जेम के पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि जहाँ मास्क मैन डैनियल की आंखों में झांकता है और वो समझ जाता है कि उससे क्या गुनाह हुआ है, जहाँ वो अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता है और उसकी वाइफ कैट पूछती है कि तुम उससे माफी क्यों मांग रहे हो, क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि दोस्तों डैनियल ने जो गुनाह किया था उसे बताते हुए उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। तो इसलिए दूसरा मास्क मैन कैट के कान में कुछ कहता है जिसके बाद कैट को भी बहुत गुस्सा आता है अपने हस्बैंड पे, लेकिन तभी मास्क मैन कैट के मुंह में एक कपड़ा डालता है जिसमें उसने कांच के टुकड़े डाले हुए थे, जहां उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड वहीं पूरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो लोग डैनियल को भी चाकू से बहुत बुरी तरह से स्टैब करते हुए मार देते हैं। जैसे ही वो अपने फेस से मास्क हटाते हैं उनका फेस रिवील होता है जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि मिच और जैक ही थे जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, और ये सब इन लोगों ने ही किया था। और इन्होंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मिच की बेटी के साथ डैनियल ने बहुत गलत किया था जिसका बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। सो तभी अचानक से जेम वहाँ पे आती है जो कि छुपी हुई थी और इनको मारने लग जाती है, जहाँ वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और मिच उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने जेम को मार दिया था जो कि निर्दोष थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। तो अब ये लोग भी पुर्गातोरी में एंटर कर चुके थे, यानी कि बहुत ही बुरी तरह फंस गए थे, जिसके बाद कैट डैनियल जेम के पेट से एक डरावने से खतरनाक क्रिएचर निकल कर आते हैं जो कि मिच और जैक के साथी को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं और वो दोनों जैसे तैसे करके बच के वहाँ से निकल जाते हैं जो काफी डरे हुए थे और भागते ही जा रहे थे। और गाइस फिर वही सीन आता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, यानी मूवी घूमकर उसी जगह से शुरू हो जाती है जहाँ से इस मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। और जैक एंड मिच के साथ जो हुआ वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि वो आप स्टार्टिंग से ही देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ क्रिएचर ने वैसे ही बहुत बुरी तरह से जैक के मुंह को फाड़ कर मारा था जैसे कि उसने कैट के साथ में किया था, और वो ये मौत डिजर्व भी करता था। और जब भी कोई इंसान अपने गलत कर्मों के कारण पुर्गातोरी में एंटर होता है तो उस पर नजर रखने के लिए क्रिएचर हमेशा उस
के आसपास में होते हैं। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो का भी एंड होता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप ऐसी ही मजेदार वीडियोस चाहते हैं तो दोस्तों फीड किसका कर रहे हो, चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो तो। तो चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।